हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, डिमांड फॉर जॉब्स इज़ फॉलिंग। जॉब्स का डिमांड गिर रहा है। मतलब क्यों गिर रहा है? क्या लोग जॉब सीक नहीं कर रहे हैं? चलिए देखते हैं। एम्प्लॉयमेंट रेट लोअर देन इन 2017। एम्प्लॉयमेंट रेट भी कम है, डिमांड भी कम है, तो क्या हो गया? लोग जॉब करना नहीं चाह रहे हैं क्या? मतलब क्या कारण है? चलिए देखते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ बिहार ऑन मंडे रिलीज द डेटा फ्रॉम द सर्वे ऑफ कास्ट इन द स्टेट दैट इट कैरिड आउट बिटवीन द मिड अप्रैल एंड मिड सेप्टेम्बर दिस ईयर। द फाइंडिंग ऑफ द सर्वे ऑल दो नॉट अनलाइकली रिविलेटरी आर सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ द मैसिव पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन ऑफ कास्ट स्पेशली एज इलेक्शन टू लोकसभा टू अप्रोच। जैसे आप जान रहे हैं 2024 में लोकसभा का इलेक्शन है, तो इसलिए ये रिलीज नहीं हो रहा था। द डेटा फ्रॉम द सर्वे कुड बिकम द बेसिस ऑफ न्यू डिमांड फॉर इंक्रीज कोटा ऑफ फॉर बैकवर्ड क्लासेस इन गवर्नमेंट जॉब्स। कास्ट ब्रेकअप्स हैव नॉट बीन रिलीज सिंस सेंसस ऑफ 1931, इवन द एग्रीगेट नंबर फ्रॉम 2011 व्हेन द लास्ट सेंसस वॉज कैरीड आउट। ठीक है, तो लास्ट सेंसस के बाद भी इतना ज़्यादा टाइम हो चुका है। आप देखिए, 12 साल हो चुका है। सम कास्ट दिस एग्रीगेटेड डेटा ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस ओवर द ईयर्स आर अवेलेबल थ्रू द कंज्यूमर पिरामिड सर्वे ऑफ द थिंक टैंक सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनमी काइम, जिसको थिंक टैंक कही है, CMIE, विच कवर्स मोर देन 1,74,000 हाउस होल्ड्स विथ मोर देन 5,60,000 मेंबर अबव द एज ऑफ 15 ईयर। दिस इज वॉट CMIE डेटा शोज ऑन सेलेक्टेड एम्प्लॉयमेंट मेट्रिक्स। तो ये डेटा देखिए क्या बताता है। द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट LFPR गिव्स अ सेंस ऑफ हाउ मेनी इंडियंस आर डिमांडिंग अ जॉब। तो कितने लोग डिमांड कर रहे हैं जॉब को। द लेबर फोर्स कंसिस्ट ऑफ पर्सन ऑफ एज 15 और ओल्डर हु आर आइदर वन दैट इज एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड बट विलिंग टू डू वर्क एंड एक्टिवली लुकिंग फॉर अ जॉब। तो दो कैटेगरी के लोग इसमें आते हैं। 15 साल से उनकी एज ऊपर होनी चाहिए, या तो वो एम्प्लॉयड है या तो एम्प्लॉयमेंट खोज रहे हैं अगर वो अनएम्प्लॉयड है तो। ठीक है, LFPR डेट इज आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन। अब ये तो आपका पहला चीज हो गया। सेकेंड देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है, क्या है? इज द नंबर ऑफ पीपल इन द लेबर फोर्स हु आर लुकिंग फॉर अ जॉब बट हैव नॉट फाउंड वन येट। तो आप देखिए, इसमें वो लोग भी है जो अनएम्प्लॉयड है और उनको जॉब चाहिए, और इसमें वो लोग हैं, सिर्फ वही लोग हैं जिनके पास जॉब नहीं है और अभी तक मिली नहीं है और वो जॉब खोज रहे हैं। दे आर सर्चिंग फॉर द जॉब बट दे हैव नॉट फाउंड वन येट। ठीक है, ये आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ लेबर फोर्स। तो ये आपका लेबर फोर्स के परसेंटेज में बताया जाता है। इन इंडिया द अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफन अंडर एस्टिमेट्स द एक्सटेंट ऑफ जॉबलेसनेस बिकॉज ऑफ LPFR दैट इज आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इट सेल्फ कीप फॉलिंग। तो यही गिरता रहता है तो ये तो गिरेगा ही ना, तो ये क्यों गिर रहा है? दिस हैपन बिकॉज मैनी अनएम्प्लॉयड पीपल हु फेल टू फाइंड अ जॉब गेट डिस्करेज एंड ओवर टाइम स्टॉप एक्टिवली लुकिंग फॉर वन। व्हेन दिस अनएम्प्लॉयड पीपल लीव द लेबर फोर्स आर द रेशियो अनएम्प्लॉयड टू द टोटल लेबर फोर्स फॉल। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए, उन लोग को यहाँ पे हम लोग उस नंबर को काउंट करें जो खोज रहे हैं, पर अगर जिसको मिल नहीं रही है और वो फ्रस्ट्रेशन में आके खोजना ही छोड़ दे तो वो रेशियो गिर जाएगा। तो यहाँ पे वो बात हो रही है। इनफैक्ट द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया इज ऑफन टू फॉल नॉट बिकॉज ऑफ पीपल हैव गॉट जॉब्स। इसलिए नहीं अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होता है कि लोगों को जॉब मिल गई, बल्कि इसलिए कम होता है बिकॉज द LPFR रेट हैज फॉलन। तो आपका जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो गिर जाता है। वो गिरने का मतलब एक आदमी है, वो जॉब खोज रहा है, उसको जॉब नहीं मिला, फ्रस्ट्रेशन में वो जॉब खोजना ही छोड़ देता है, बोलता है नहीं खोजेंगे। तो वो उसके वजह से LFPR रेट आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कम हो जाता है और उसके वजह से आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो जाता है। ठीक है, एज सच द बेस्ट मैट्रिक्स टू लुक एट इज एम्प्लॉयमेंट रेट। तो सबसे बड़ा चीज़ होता है आप एम्प्लॉयमेंट रेट देखो, विच सिंपली लुक्स एट द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पीपल एज अ परसेंटेज ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन बाय नॉट बेसिंग इटसेल्फ ऑन LPFR एंड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एंड
The employment rate avoids the problem of falling labor force participation rate artificially dragging down the unemployment rate. ठीक है, तो बोल रहे हैं देखो, इन्होंने साफ बोला है कि अगर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट गिरता है तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी गिर जाता है। तो आप ये देखो ही मत फिर, अगर आपको रियली डेटा चाहिए आप देखो एम्प्लॉयमेंट रेट, क्योंकि ये तो अफेक्ट नहीं होगा, जितने लोग काम कर रहे हैं वो तो इसमें दिखेंगे। तो आप ये देखो और उसके बाद उस जो आपका यूनिवर्सल डेटा होगा उसमें से माइनस कर दो, जो इंडिया का टोटल पॉपुलेशन होगा वर्किंग वाला। कास्ट वाइज LFPR देखिए, सिंस 2016-17 LFPR हैज फॉलन फॉर एवरी कैटेगरी। यहाँ पे टेबल वन में बताया जा रहा है हर कैटेगरी का, आप देखिए LFPR गिरा है। इफ़ वन डिस्काउंट्स द कास्ट नॉट अवेलेबल कैटेगरी, LFPR वाज द लोवेस्ट एंड सो कॉल्ड अपर कास्ट 37.21% इन 2022-23। इन अदर वर्ड्स द डिमांड फॉर जॉब्स वाज द लोवेस्ट अमंग द अपर कास्ट। तो अपर कास्ट जो है वो जॉब्स नहीं खोज रहे हैं। द बिगेस्ट फॉल इन LFPR since 2016-17 has been among the other backward class and scheduled caste. This means OBC and SC have been the worst affected by the negative trend of India's LFPR rate. Unemployment rate. The post-pandemic economic recovery, notwithstanding the unemployment rate, all caste was at the 7.53% higher in 2022-23 than 6 years ago, 7.42%। तो कुछ ज़्यादा ऐसा बड़ा चेंज नहीं है, 5.3 से 4.2 हो गया। दिस ट्रेंड इज ऑल्सो विजिबल इन ऑल इंडिविजुअल कास्ट कैटेगरी एक्सेप्ट फॉर दी ओबीसीज अमंग हुम द अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज फॉलन मार्जिनली सिंस इतना। ठीक है, ये टेबल टू में दिखा रहा है। द अनएम्प्लॉयमेंट रेट आर हायर डिस्पाइट LFPR फॉलिंग पॉइंट्स टू द मोर वरिंग ट्रेंड। The unemployment rate is higher even when the proportion of people demanding job has come down. The fall in the unemployment for OBC is seen even as LPFR among the witnesses the biggest fall. यहाँ पे वही बात कर रही है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो तो गिर गया पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट नहीं गिरा, वो उल्टा बढ़ गया। तब ये कैसे हो सकता है कि जो लोग जॉब चाह रहे हैं वो उनमें भी एम्प्लॉयमेंट नहीं है? तो यहाँ पे सिंपल सी बात ये है, तो ये और ज़्यादा वरिंग डेटा है। वो तो समझ में आ रहा था कि इधर से लोग हट रहे हैं तो इधर से भी हट जाएंगे, पर अब इधर से तो हट रहे हैं पर इधर डेटा लोगों को जॉब और चाहिए, तो ये थोड़ा सा वरिंग डेटा है। अब देखिए एम्प्लॉयमेंट रेट टेबल थ्री, एम्प्लॉयमेंट रेट बेस्ट कैप्चर द कम्बाइंड रियलिटी ऑफ फॉलिंग LPFR एंड हायर अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर ईच कास्ट कैटेगरी। Employment rate has fallen for every caste group since 2016-17, the data shows. In other words, the proportion of the people in the working age population who are employed has been coming down for every caste. Har caste ke liye data niche aa raha hai. Again, while the upper caste have the lowest employment rate, that is 36.51% in 2022-23, the biggest fall in employment rate has been witnessed among the SCs, -7.1% and OBC, -7.05%। अब देखिए क्या, एक बार टेबल देख ले, ये हमें बेस्ट सिनेरियो बताता है एम्प्लॉयमेंट टेबल। ये ऑल कास्ट का डेटा है, ठीक है। 16-17 में आप देखिए अपर कास्ट का ये था, अभी ये है ओबीसी एससी एसटी। आप देखिए 42 से 35, 45 से 38, 49 से 46। तो सारे जगह तो डेटा गिर रहा है, 34 से 30, तो लोग जॉब तो नहीं कर रहे हैं, इतना तो है लोगों को जॉब नहीं करना। सिंपल सी बात, ये चाहे अपर कास्ट हो चाहे कुछ भी हो। अब आप देखिए यहाँ पे -6, -7, -7, -3, -3, यहाँ पे -4.88% आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा तो ओबीसी एससी में एम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ है, यहाँ पे वही बताया गया है। अब आप देखिए इस आर्टिकल में हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले तो लेबर फोर्स, देखिए लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हमारे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट रेट हो जाता है। अब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में आपके दो कैटेगरी के लोग हैं, एक आप देखिए जो आपके एम्प्लॉयड है, ठीक है, दो आपके एम्प्लॉयड नहीं है
बट सीकिंग फॉर जॉब, जॉब खोज रहे हैं, तो ये डेटा हो जाता है। अब सीकिंग फॉर जॉब, इसमें अगर कमी आती है तो आप देखिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी कम हो जाएगा, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है यू आर नॉट एम्प्लॉयड, आप अभी एम्प्लॉयड नहीं हो, प्लस यू आर सर्चिंग फॉर जॉब, आप जॉब खोज रहे हो, आपके पास अभी जॉब नहीं है पर आप जॉब के सर्च में हो, ये अनएम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन है। ठीक है, ये अनएम्प्लॉयमेंट का हमारा डेफिनेशन हो जाता है। पर अब जब जॉब नहीं है और आप खोज भी नहीं रहे हो, सिर्फ बैठे हो, माँ बाप के पैसे पे पल रहे हो, तब ये आपका अनएम्प्लॉयमेंट नहीं आएगा, क्योंकि आप तो खोज भी नहीं रहे हो ना, इसलिए तब यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। तो यही था बस इस आर्टिकल में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट, और एम्प्लॉयमेंट रेट से हम सारी चीज़ें क्लियरली पिक्चर हमें पता चलती है। एक ट्रेंड है ये, आप देख लीजिए, हर कास्ट, अपर हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, इंटरमीडिएट हो, सब में आपका देखिए एम्प्लॉयमेंट रेट घट रहा है। सबसे ज़्यादा किस में घटा है? ओबीसी एसटी में एम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज़्यादा कम हुआ है। तो क्या इंडिया की जनता जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं चाहती है? ये एम्प्लॉयमेंट चाहती नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट देना चाहती है? दोनों में अंतर है। क्या सब लोग बिजनेस की तरफ जा रहे हैं? क्या हम एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी बन रहे हैं? ऑलरेडी हैं, पर क्या हम लोग प्योर कैपिटलिज्म की तरफ जा रहे हैं कि जॉब नहीं चाहिए, बिजनेस चाहिए? तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। सो थैंक यू गाइज, एंड प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।